यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रास्ते अलग अलग होते दिख रहे हैं। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि शिवपाल समाजवादी पार्टी में बने रहें। शिवपाल भी यहां से बाहर निकलने की वजह ढूंढ रहे हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच चल रही नाराजगी अब वार पलटवार में बदलती नजर आ रही है। गुरुवार को शिवपाल ने सपा मुखिया पर पलटवार करते हुए अपने इरादे जताए हैं। वे खुद पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि इससे उनकी विधायकी पर संकट आ सकता है। ऐसे में उन्होंने खुद ही कह दिया कि सपा चाहे तो उन्हें निकाल दे। वहीं सपा ये कदम उठाने से बचना चाहती है। अगर पार्टी से निकाला तो शिवपाल यादव परिवार और समर्थकों के बीच सहानुभूति पाएंगे। असल में सपा ने पिछली विधानसभा में भी शिवपाल यादव की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी थी। बाद में वह पत्र उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद लगा था कि चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद से एक बार फिर चाचा भतीजे के बीच दरार आ गई है। वहीं जो शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने पर चर्चा चल रही है, उस पर बीजेपी को निर्णय लेना है। वहां से हरी झंडी मिलने पर ही वे अपने पत्ते खोलेंगे। इस बीच शिवपाल यादव आजम खान से भी सहानुभूति जता रहे हैं और उनसे मिलने जेल पहुंच गए। फिलहाल शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी शिवपाल यादव को लेकर हरी झंडी नहीं दे रही है। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी की राजनीति में क्या बड़े बदलाव होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।